वेलकम एवरीबॉडी, मेरा नाम है अंकित शर्मा और आज हम लोग बात करने वाले हैं मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर की। तो चलिए शुरू करते हैं, डिटेल में देखेंगे इस चैप्टर को और बहुत ही सिंपल सा चैप्टर ये भी है, नाम है इसका मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए, अगर हम ओवरऑल एलिमेंट्स को क्लासिफाई करें तो एलिमेंट्स को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका मेटल, एक होता है नॉन मेटल और एक होता है आपका मेटलॉइड। यानी कोई भी जो एलिमेंट्स हैं हमारे यहाँ पर, उनको क्लासिफाई किया जा सकता है 3 कैटेगरीज में। एक मेटल है, दूसरा नॉन मेटल है और थर्ड है आपका मेटलॉइड। तो यहाँ पर हम बेसिकली मेटल एंड नॉन मेटल की ही बात करेंगे। तो एलिमेंट जो है यहाँ पर, उसको हम देखेंगे मेटल के फॉर्म में और नॉन मेटल के फॉर्म में। एंड यहां पर अगर हम बात करें मेटल की एंड नॉन मेटल की, तो हम इस चैप्टर में इनकी दोनों तरह की प्रॉपर्टीज को देखेंगे। दोनों प्रॉपर्टीज का मतलब यहां पर क्या है, एक तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ यहां पर, फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब यह हुआ कि यहां पर आपका प्योर एलिमेंट होगा और आपको इसको क्लोजली ऑब्जर्व करना है, ठीक है। इसका स्टेट क्या है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में आता है। मेलिएबल है, डक्टाइल है, सोनोरस है, लश्रस है, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ एक प्योर एलिमेंट की होती है, उसी को हम बोलते हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी इसकी, मतलब अगर किसी मेटल को आप दूसरे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर कंपाउंड हो गया आपका, एसिड्स हो गए, बेस हो गए, अगर आपका मेटल उनके साथ रिएक्ट करता है तो क्या नई चीजें बनती हैं, उस सारी प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं एलिमेंट की या मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। इसी तरह नॉन मेटल में भी हम दोनों चीजें देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे और केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज से। तो मेटल की अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, तो मेटल में सबसे पहले आप स्टार्ट करें उसके स्टेट से। स्टेट का मतलब है यहां पर कि मेटल का स्टेट सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जितने भी मेटल हैं उनका स्टेट क्या होता है, उनका स्टेट होता है सॉलिड। जितने भी मेटल हैं उनका स्टेट क्या होता है, सॉलिड। बस यहां पर एक एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना है। एक ऐसा मेटल है यहां पर जो एक्सेप्शन है और वो है हमारा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी जो है वो हमारा लिक्विड होता है, Hg, यानी ये होता है हमारा लिक्विड। अब यहां पर देखना स्टेट का मतलब क्या है। स्टेट का मतलब है यहां पर हम बात कर रहे हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, यानी रूम टेम्परेचर हम कितना मानते हैं। अगर एक्सपेरिमेंटली देखें या आम तौर पे अगर हम अपना कन्वेंशन देखें तो उसके अकॉर्डिंग हम रूम टेम्परेचर क्या मानते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, या इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करना चाहें तो 298 केल्विन, ठीक है। तो अगर आपका 25 डिग्री सेल्सियस पर मेटल का स्टेट आप ऑब्जर्व करते हो तो जितने भी मेटल हैं वो सभी सॉलिड हैं। बस एक ही एक्सेप्शन है यहां पर और वो है मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। तो ये हमने उसकी पहली प्रॉपर्टी देखी मेटल्स की, यानी हमने पहली प्रॉपर्टी देखी फिजिकल। सेकंड अगर हम देखें तो कलर, मेटल्स का कलर क्या होता है। अगर हम जनरली बात करें तो मेटल का कलर जो होता है वो आपका ग्रेइश व्हाइट होता है। जनरली अगर आप बात करते हैं तो ग्रेइश व्हाइट होता है कलर, जनरली बात कर रहे हैं, ठीक है। पर क्या सारे मेटल जो हैं वो ग्रेइश व्हाइट कलर के होते हैं। जैसे अगर आप सिल्वर और एल्यूमिनियम का कलर देखें तो ग्रेइश व्हाइट है दोनों का, ठीक है। बट क्या सारे मेटल जो है उनका ग्रेइश व्हाइट कलर होता है, तो ऐसा नहीं है। हम जानते हैं जैसे यहां पर एग्जांपल हो गया आपका, इसमें अगर आप एक्सेप्शन देखें कलर की, तो आप जानते हैं गोल्ड के बारे में, गोल्ड का जो कलर है वो येलो या गोल्डन कलर होता है, ठीक है। तो ये तो ग्रेइश व्हाइट नहीं है। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कॉपर। कॉपर को देखिए, कॉपर का कलर भी ग्रेइश व्हाइट नहीं है, कॉपर का कलर जो है वो रेड ब्राउन है,
ठीक है। तो यहां पर हमने सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी देखी कलर, जो मेटल होते हैं जनरली उनका कलर क्या रहेगा, ग्रेइश व्हाइट रहेगा, बट कुछ ऐसे मेटल हैं जिनका कलर ग्रेइश व्हाइट ना होकर, जैसा गोल्ड में आप देख सकते हैं गोल्डन या येलो कलर का उसका अपीयरेंस होता है, और कॉपर की बात करें तो कॉपर होता है आपका रेड ब्राउन, ठीक है। ये हो गया गोल्डन और ये हो गया आपका रेड ब्राउन, जो आपका कॉपर है उसका कलर होता है रेड ब्राउन, ठीक है। तो दो फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देखी, पहला स्टेट यानी जितने भी मेटल हैं वो सभी सॉलिड हैं, बट एक एक्सेप्शन है उसमें मर्क्यूरी, मर्क्यूरी होता है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड, इसीलिए आप देखते हैं कि पुराने या अभी भी जो है जो थर्मामीटर होते हैं उसमें जो आपका एलिमेंट होता है वो मर्क्यूरी होता है, ठीक है। हीट अब्सॉर्ब करके वो एक्सपेंड होता है तो वो मर्क्यूरी का लेवल ऊपर जाता है, और ठंडा होने पर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो मर्क्यूरी का लेवल नीचे आता है, तो टेम्परेचर मेजर करते हैं वहां पर हम, ठीक है। तो थर्ड आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, यहां पर स्टेट हो गया, कलर हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे यहां पे मैलिएबिलिटी की। मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, मैलिएबिलिटी का मतलब होता है यहां पे शीट कन्वर्जन, ठीक है। यानी अगर आप मेटल को शीट में, पतली सी शीट में कन्वर्ट कर सकते हो तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी। तो आपके जो मोस्टली मेटल हैं वो मैलिएबल होते हैं, जैसे एग्जांपल अगर आप देख सकते हैं यहां पर एल्यूमिनियम की फॉइल आपको दिखती है, ठीक है ना, एल्यूमिनियम की फॉइल जिसमें आप अपना खाना पैक करते हैं वो पतली सी एल्यूमिनियम की फॉइल होती है ना, वो एल्यूमिनियम मेटल है, देखिए उसको हमने कितने पतली सी शीट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसका और एग्जांपल आप देखते हैं गोल्ड सिल्वर, ये जो गोल्ड और सिल्वर जैसे मेटल हैं आप देखते हो कि जैसे जो मिठाइयां वगैरह होती हैं उस पे चांदी और सोने का वर्क नहीं लगाते, वहां पे कितनी पतली सी शीट बनाते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, आपकी प्रॉपर्टी है इन मेटल्स की जो कि मैलिएबिलिटी है। यानी मैलिएबिलिटी का मतलब है कि अगर आपका मेटल जो है वो पतली सी शीट में कन्वर्ट हो रहा है तो उसके अंदर मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो यहां पे आपको वो पूछ सकता है कि बताइए मोस्ट मैलिएबल मेटल का एग्जांपल बताइए, मोस्ट मैलिएबल मेटल का, ठीक है। तो मोस्ट मैलिएबल मेटल में कौन आता है आपका, गोल्ड और सिल्वर, यानी इनसे पतली शीट किसी की नहीं बनती, सबसे पतली शीट किसकी हम बना सकते हैं यहां पर, गोल्ड और सिल्वर की। तो हमने देखा थर्ड प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी यानी शीट का कन्वर्जन, शीट में कन्वर्जन, ठीक है। किसी भी मेटल को अगर आप पतली सी शीट में कन्वर्ट कर पाओगे तो वो मेटल मैलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी पोजेस करेगा। उसके बाद देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी है आपकी डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, डक्टिलिटी का सिंपल सा मतलब है वायर बनाना, ठीक है। अगर आप मेटल से पतली वायर बना सकते हैं तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी, वायर में कन्वर्जन ऑफ मेटल, ठीक है। अगर आप अपने मेटल का यूज करके उसको पतली सी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी। मेटल जो है जनरली डक्टाइल होते हैं, उनसे आप वायर्स बना सकते हैं। तो जैसे इसके एग्जांपल हो गए आपके पास एल्यूमिनियम वायर, कॉपर वायर, आयरन से भी बना सकते हैं, और आप गोल्ड से भी बना सकते हैं, सिल्वर से भी बना सकते हैं। तो ये जितने भी आपके एग्जांपल हैं मेटल के जिनसे आप वायर्स बना सकते हैं उसमें ये सभी मेटल भी आते हैं, ठीक है। और यहां पर आपको जो याद रखना है वो ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि जो गोल्ड है, गोल्ड आपका मोस्ट डक्टाइल मेटल है, यानी इसी से हम बहुत लंबी लंबी वायर्स बना सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल अगर यहां देखें तो 1 ग्राम अगर गोल्ड आपके पास है, जस्ट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड, आप उससे कितनी लंबी वायर बना सकते हैं, 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो डक्टिलिटी की जो प्रॉपर्टी है वो सबसे अच्छी कौन शो करता है, यहां पर गोल्ड, यानी उसका सिर्फ 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबी वायर बन रही है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि जो गोल्ड है वो आपका मोस्ट डक्टाइल मेटल है, ठीक है। ये हो गई हमारी फोर्थ फिजिकल प्रॉपर्टी। यानी अभी तक जो हमने देखा, पहले केस में हमने देखा स्टेट, दूसरे में हमने देखा कलर, तीसरे में हमने देखा मैलिएबिलिटी, और फोर्थ में हम देख रहे हैं डक्टिलिटी। इसके बाद बात करें फिफ्थ प्रॉपर्टी की यहां पर मेटल्स की, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे सोनोरिटी की। सोनोरिटी का मतलब हो गया यहां पर साउंड रिलेटेड, यानी जो मेटल होते हैं अगर आप उसको पीटते हो, ठीक है, किसी चीज से आप उसको स्ट्राइक करते हो तो आप देखते हो कि मेटल से साउंड आता है। तो जो मेटल होते हैं, क्योंकि वो हार्ड होते हैं, मेटल जो है वो हार्ड होते हैं जनरली, तो मेटल को अगर आप किसी चीज से स्ट्राइक करते हो तो उनसे साउंड आता है। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरिटी, ठीक है ना। मेटल जो है वो क्या करते हैं, मेटल प्रोड्यूस करते हैं साउंड।
और ऐसा वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो जनरली हार्ड होते हैं, जनरली हार्ड होते हैं, मेटल जनरली हार्ड होते हैं। बट यहां पर देखिए एक्सेप्शन में अगर आप देखें, एक्सेप्शन में अगर आप देखें तो सोडियम, सोडियम जो है वो आपका हार्ड नहीं होता, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया और लिथियम हो गया, इन सभी मेटल को हम क्या बोलते हैं, हार्ड नहीं बोलते हम इनको, क्या बोलते हैं, इन सबको हम बोलते हैं सॉफ्ट मेटल। ठीक है, यानी इनको जब आप किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करते हैं तो इनसे साउंड नहीं आएगा, ये इनको हम क्या बोलते हैं, इसीलिए सॉफ्ट मेटल बोलते हैं। अब यहां पे सॉफ्ट कहने का मतलब क्या है, सॉफ्ट कहने का मतलब है कि ये जो मेटल हैं इनको आप अगर नाइफ से स्ट्राइक करें तो आप इसको कट भी कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर आपके जो मेटल हैं वो नाइफ से काटे जा सकते हैं। ठीक है, बट जनरली जो मेटल हैं दूसरे, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसको सिंपली हम कट नहीं कर सकते नाइफ का यूज करके। ठीक है, इसीलिए वो हार्ड होते हैं, और हार्ड होते हैं तो अगर हम उसको किसी हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो जो आपके सोडियम, पोटेशियम और लिथियम लाइक एलिमेंट्स हैं या मेटल हैं उनको हम सॉफ्ट मेटल बोलते हैं। और वो सॉफ्ट मेटल हम उसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसको अगर आप नाइफ से कट करें तो वो दो पीस या जितने भी पीस आप करना चाहें उसके कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो मेटल है उसकी हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी देखी, सोनोरिटी, साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसके बाद अगर सिक्स्थ प्रॉपर्टी की बात करें, इसके बाद हम देखेंगे लश्चर। लश्चर का मतलब होता है शाइनिंग। जो आपके मेटल हैं उनके अंदर यह प्रॉपर्टी भी देखने को मिलती है, यानी जो मेटल होते हैं वो जनरली शाइन करते हैं। जैसे बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल है इसके, जो मेटल शाइन करते हैं उसका एग्जाम्पल हो गया आपका गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, आयरन, ये जितने भी मेटल हैं आपके ये सभी जो है शाइन करते हैं। तो इसीलिए इन सब के अंदर जो प्रॉपर्टी होगी वो प्रेजेंट होगी किस चीज की, लश्चर की, लश्चर की प्रॉपर्टी इन सब में प्रेजेंट होगी। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे सेवंथ, सेवंथ प्रॉपर्टी की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो आपके मेटल होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है। जनरली अगर आप देखो तो जितने भी मेटल आपके पास हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, ये जनरली हम कह रहे हैं। ठीक है ना, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है उसी को देखेंगे। जनरली मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, बट यहां पर कुछ एक्सेप्शन है। जैसे अगर मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट जिनका हम बोलते हैं लो, मेल्टिंग पॉइंट जिनका हम बोलते हैं लो, उसके अंदर आपके एक्सेप्शन आते हैं जैसे गैलियम एंड सीजियम। ये ऐसे दो मेटल हैं, जैसे गैलियम जैसा मेटल अगर आप उसको अपने पाम पे रखेंगे, हथेली पे रखेंगे, तो जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो भी जस्ट इनफ है इस मेटल को मेल्ट करने के लिए। और सीजियम भी इसी तरह से शो करता है, अगर आप उसको अपने हाथ पे रखोगे तो वो मेल्ट होने लगेगा, यानी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही लो होता है। इसी तरह से अगर आप देखो तो यहां पर मेल्टिंग पॉइंट जिस मेटल का सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट, अगर मैं आपको यहां बताऊं तो वो होता है आपका टंगस्टन, टंगस्टन यानी W। ठीक है, तो इसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ही ज्यादा हाई होता है, सबसे ज्यादा हाई होता है। और जो आपका दूसरे मेटल हैं जो एक्सेप्शन में आ रहे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसके बारे में आप ध्यान रखें, वो है गैलियम एंड सीजियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेल्टिंग पॉइंट का क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और टंगस्टन के बारे में तो आपने भी देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 10th में हम पढ़ते हैं ना, जो आपका बल्ब होता है उसका जो यहां पर बल्ब के अंदर एक पतली सी वायर होती है वो टंगस्टन की ही होती है, उसको हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो लाइट एमिट करती है ना वो, तो वहां पर हम यूज करते हैं टंगस्टन का, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। उसके बाद देखिए 8th प्रॉपर्टी, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होते हैं, जो भी आपके मेटल होते हैं, ये अच्छे हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है ना, यानी इनके थ्रू हीट और इलेक्ट्रिसिटी इजीली एक एंड से दूसरे एंड तक इजीली फ्लो कर सकती है। जैसे यहां पर अगर देखें बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट
बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का अगर एग्जांपल देखें तो यहां पर आपका सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, और उसके बाद अगर देखें पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर की अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, तो यहां पर आपका लेड एंड मर्करी आएगा, मर्करी यानी पीबी एंड एचजी, यहां पे भी इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ठीक है, तो जो आपके मेटल हैं जो बहुत ही अच्छा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं वो सिल्वर एंड कॉपर है, और उसके बाद जो पुअर कंडक्टर हैं वो लेड एंड मर्करी हैं। तो ये बेसिकली 8 आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं मेटल्स की जो आपको याद रखनी है, और इसमें भी मोस्टली आपको वो चीज़ें याद रखनी है जो एक्सेप्शन है, जो अलग है। जनरल चीज़ें नहीं पूछी जाती, एक्सेप्शन पूछे जाते हैं आपसे हमेशा। ठीक है, जो प्रॉपर्टी हर दूसरे एलिमेंट में प्रेजेंट है वो तो नहीं पूछेगा, और जिसमें प्रेजेंट नहीं है क्वेश्चन वो वहीं से बनाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी में जो चीज़ें एक्सेप्शन है या जो चीज़ें अलग हैं उस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब सेम फिजिकल प्रॉपर्टी अगर हम नॉन मेटल में देखें, नॉन मेटल में देखें तो जैसे हमने मेटल में देखा था, अगर स्टेट की बात करें तो जो नॉन मेटल होते हैं उनका स्टेट क्या होता है, जनरली अगर आप देखो तो वो आपको सॉलिड में भी दिखते हैं, लिक्विड में भी दिखते हैं और गैस में भी दिखते हैं। यानी मोस्टली आपको जो नॉन मेटल हैं वो सॉलिड और गैस में ही देखने को मिलते हैं। गैसेस की अगर बात करें तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सभी क्या हैं आपके नॉन मेटल और इनका स्टेट क्या होता है, गैस। इसी तरह से अगर नॉन मेटल जो सॉलिड में मिलते हैं, एसेट, P4, आयोडीन, ठीक है, ये जितने भी हैं आपके नॉन मेटल ये सभी आपको सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। और यहां पर आपका एक क्वेश्चन बनता है जो एक्सेप्शन में आता है, लिक्विड, यानी एक ऐसा नॉन मेटल जो लिक्विड होता है वो है आपका ब्रोमीन। इस चीज को याद रखेंगे, ब्रोमीन आपका लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, सिर्फ एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड में एग्जिस्ट करता है, बाकी जितने हैं वो या तो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं या फिर सॉलिड में। ठीक है, तो यहां से आपका ये क्वेश्चन बनता है कि जो नॉन मेटल है उसमें कौन सा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था, जैसे मेटल में देखा था सबसे पहला स्टेट ही देखा था, यहां पे भी हमने स्टेट ही देखा है। अब मेटल में हमने सेकंड पॉइंट देखा था उनका कलर, अगर कलर की बात करें यहां पर तो मेटल का कलर जो है हमने ग्रेइश व्हाइट बताया था, तो यहां पर जो कलर है वो तो कई तरह के कलर है, जैसे आपका येलो हो गया, ब्राउन हो गया, वॉयलेट हो गया। ठीक है, जैसे येलो कलर का आपका होता है सल्फर, एसिड। ठीक है, ब्रोमीन आपका हो गया ब्राउन, ब्रोमाइन हो गया आपका ब्राउन, Br2, और जो वायलेट है वो आपका हो गया आयोडीन। ठीक है ना, तो जो आपके नॉन मेटल हैं वो कुछ कलरलेस होते हैं, जैसे अगर आप देखिए हाइड्रोजन, एयर में हाइड्रोजन है वो हमें दिखाई नहीं देती है, उसका कोई कलर नहीं है। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन भी एयर में प्रेजेंट है वो हमें दिखाई नहीं देती है, उसका कोई कलर नहीं होता नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। और नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन भी एटमोसफेयर में तो 70% से भी ज्यादा है, तो देखिए वो भी हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, और इसी तरह अगर यहां मैंने लिखा हुआ है क्लोरीन, क्लोरीन देखिए, क्लोरीन आपकी येलो ग्रीन कलर की गैस होती है, इसका कलर होता है येलो ग्रीन। तो जो आपके नॉन मेटल हैं उसमें तो कई तरह के कलर जो है वो देखने को मिलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कलरलेस होते हैं। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी हमने देखी कलर की। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड प्रॉपर्टी, मेलिएबिलिटी, मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स के अंदर नहीं होती, यानी नॉन मेटल से आप शीट नहीं बना सकते, पतली शीट नहीं बना सकते। जो नॉन मेटल हैं उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, ब्रिटलनेस की, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है, ब्रिटलनेस का मतलब होता है कि आपका जो सब्सटेंस है अगर आपने उस पर फोर्स लगाया ना तो वो छोटे छोटे अगर टुकड़ों में टूट जाता है, छोटे छोटे पीसीस में डिवाइड हो जाता है, तो इसी प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो, ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस बोला जाता है। तो जो मेटल होते हैं उनको तो जब आप स्ट्राइक करते हो तो पतली शीट में कन्वर्ट होते हैं, पर नॉन मेटल के ऊपर जब आप स्ट्राइक करते हो तो वो शीट में कन्वर्ट नहीं होते, वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस। ठीक है, तो जो नॉन मेटल होते हैं वो जनरली ब्रिटल होते हैं।
जैसे सल्फर आप इसमें ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले सकते हैं सल्फर का, फॉस्फोरस का, ये ब्रिटल होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर देखिए फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी होती है डक्टिलिटी। क्या हम नॉन मेटल से वायर बना सकते हैं? डक्टिलिटी का मतलब क्या था? वायर बनाना। तो क्या हम नॉन मेटल से वायर बना सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो जो नॉन मेटल होते हैं उनके अंदर डक्टिलिटी भी नहीं होती, उनसे वायर भी नहीं बना सकते। उसके बाद देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो डक्टिलिटी के बाद हमारा था सोनोरिटी। सोनोरिटी की अगर हम बात करें यहां पर, तो सोनोरिटी का मतलब क्या था? साउंड आना। और जनरली आपके जो मेटल हैं वो हार्ड होते हैं और जो आपके नॉन मेटल हैं वो उतने हार्ड नहीं होते, तो सोनोरिटी भी आपको देखने को नहीं मिलती नॉन मेटल के अंदर। उसके बाद बात करें लश्चर, लश्चरस की, लश्चर प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो जो नॉन मेटल होते हैं उसमें जो आपको याद रखना है, मोस्टली तो नहीं होते लश्चर की प्रॉपर्टी, मोस्टली तो नॉन मेटल में नहीं होती, पर जो एक्सेप्शन है जो आपसे पूछा गया है वो है आयोडीन। आयोडीन का याद रखेंगे, एक्सेप्शन है, ये लश्चरस होता है, ये शाइन करता है, यही एक ऐसा नॉन मेटल है जो शाइन करता है। एक बात का ध्यान देंगे, आयोडीन जो है वो लश्चरस है, उसके अलावा कोई नहीं है, कोई ऐसा नॉन मेटल नहीं है जो लश्चरस है। तो सिक्स प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद देखिए मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जनरली इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है? लो होता है, ठीक है। मेटल का तो काफी हाई होता है और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है। अब आयोडीन के साथ साथ कई जगह पे वो आपको लिख देता है डायमंड, डायमंड भी शाइन करता है, ठीक है। पर एक बात ध्यान दें यहां पर, डायमंड का जो शाइनिंग का रीजन है वो अलग है और आयोडीन का अलग है। तो जनरली अगर आपसे पूछा जाए तो आप पहले आयोडीन का जो है ऑप्शन चूज करेंगे, अगर कुछ भी नहीं है तो फिर आप डायमंड का चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर रीजन होता है रिफ्रैक्शन और यहां पर रीजन होता है रिफ्लेक्शन। जनरली चीजें शाइन तभी करेंगी जब लाइट जो है स्ट्राइक करके बाउंस होती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो ये चीज रिफ्लेक्शन की वजह से शाइन कर रही है और ये रिफ्रैक्शन की वजह से, ठीक है। तो जनरली आप इसको लिखेंगे अगर पूछा जाए नॉन मेटल के केस में। उसके बाद देखिए सेवंथ प्रॉपर्टी हो गई, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जनरली क्या होता है? लो होता है। बस एक ही यहां आप लिख सकते हो एक्सेप्शन, किसका? डायमंड का, डायमंड यानी कार्बन, कार्बन का, ठीक है ना, इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। अब इसमें बस एक प्रॉपर्टी और है, एट्थ। यहां पर एट्थ प्रॉपर्टी को देखिए, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर। जो नॉन मेटल होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं करते हैं, यानी वो पुअर कंडक्टर होते हैं। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी है हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर की, ये पुअर होती है इनमें, ठीक है। बस यहां पर एक बात का ध्यान दें, यहां पर आता है एक एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आता है किस चीज का? फिर से ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का ध्यान दीजिएगा। हम कहते हैं कि नॉन मेटल से हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती, बस एक ही एग्जांपल है जो आपको याद रखना है वो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है ना, ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। तो ये थे हमारे एग्जांपल मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज के, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखेंगे मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए तो इसके बाद अब हम बात करेंगे मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है ना। मेटल ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे यहां पर। देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज को याद करना बहुत आसान है, ठीक है। अगर आप स्लोली एक एक चीज को देखेंगे तो बहुत आसान है। जैसे मैं आपको बताता हूं यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। यहां पे हम बेसिकली क्या देखने वाले हैं? मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। पहली केमिकल प्रॉपर्टी तो सबसे बेसिक आपको यही पूछता है वो, ठीक है ना, कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। दूसरा, मेटल जो है वो पानी के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी ये पूछी जाती है आपसे, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है कि जो मेटल है वो एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, ये पूछा जाता है। तो जो मोस्टली आपसे केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं वो इन्हीं तीन चीजों के अराउंड पूछी जाती हैं, मेटल ऑक्सीजन के साथ, मेटल वाटर के साथ और मेटल एसिड या बेस के साथ। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ऑक्सीजन, यानी पहली जो प्रॉपर्टी है वो रिएक्शन विद ऑक्सीजन,
रिएक्शन विद ऑक्सीजन, आसान है ये, इस चीज को ध्यान से देखिए। आपको जो जनरली मेटल याद रखने हैं वो पेयर्स में याद रखने हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम, उसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम, और उसके बाद आयरन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है ना। यहां पर अगर हम बात करें पोटेशियम या फिर सोडियम की, जैसे मैं एग्जांपल दूं सोडियम का, तो सोडियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है वो, Na2O, ठीक है ना, ये सोडियम ऑक्साइड है आपका। सेम देखना, मैंने इनको पेयर में इसलिए कहा है क्योंकि जैसा सोडियम ऑक्साइड बनाता है वैसा ही पोटेशियम भी बनाता है। तो यहां पर अगर K+O2 लिखते आप तो आपका बनता है यहां पे ऑक्साइड K2O, ठीक है। यहां पे बैलेंसिंग से कोई लेना देना नहीं है, बस आपको यहां पे ये याद रखना है कि जब आपका मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है तो उसके ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, ठीक है ना। इसी तरह देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम करता है यहां पे, कैल्शियम मैग्नीशियम, कैल्शियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो CaO बनाएगा, और मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ बनाएगा तो यहां पर MgO बनाएगा, ठीक है। इसी के साथ अगर आप देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका Fe2O3 भी होता है, Fe3O4 भी होता है, FeO भी होता है, और इसी तरह एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी होता है, ठीक है। तो यानी जो आपके मेटल हैं वो ऑक्सीजन से इजीली कंबाइन होते हैं, ठीक है। और अब यहां पर आपसे वो प्रॉपर्टी क्या पूछेगा, मेटल ऑक्साइड तो बन गए, ठीक है, अब इन मेटल ऑक्साइड की भी वो प्रॉपर्टी पूछ सकता है। प्रॉपर्टी का मतलब केमिकल प्रॉपर्टी से है, यानी जो आपके मेटल ऑक्साइड है वो बेसिक होते हैं, वो एसिडिक होते हैं, या फिर एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे वो यही पूछेगा कि अगर मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो क्या बना, मेटल ऑक्साइड। अब ये मेटल ऑक्साइड की प्रॉपर्टी क्या है, कि वो एसिड है, वो बेस है, या वो एम्फोटेरिक है। तो अगर आप यहां पर मोस्टली मेटल की प्रॉपर्टी देखें तो जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो जनरली कैसे होते हैं, वो बेसिक ही होते हैं, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको, क्यों बेसिक नेचर हमें कैसे समझ में आ रहा है यहां पर, तो बहुत सिंपल है। यहां देखिए, अगर मैं Na2O को पानी में डालूं यहां पर, तो यहां पे बनता है NaOH, और NaOH आप पढ़ते हैं कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ठीक है। तो मैंने Na2O को यानी सोडियम ऑक्साइड को मैंने पानी में डाला, वो बेसिक हो गया, NaOH बन गया ना वहां पे, तो इसका मतलब उसका नेचर कैसा है, पानी तो ओवरऑल न्यूट्रल होता है उसका, वो पानी तो ना तो एसिड होता है ना बेस होता है, पर सोडियम ऑक्साइड आने के बाद पानी कैसा बन गया, बेसिक, यानी उसको बेसिक किसने बनाया, सोडियम ऑक्साइड ने। तो सोडियम ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक, यानी जितने आपके मेटल ऑक्साइड हैं जनरली कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, ठीक है। मेटल ऑक्साइड एसिडिक तो कभी नहीं होते, जनरली वो कैसे होते हैं, बेसिक। और उसके बाद आपके कुछ एग्जांपल हैं जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, ये जनरली आपके जो ऑक्साइड होते हैं वो किस तरह के हैं, एम्फोटेरिक, ठीक है। यानी इन ऑक्साइड्स के अंदर, यहां पे भी देखिए एल्यूमिनियम मेटल है, जिंक मेटल है, लेड मेटल है, इनके जो ऑक्साइड हैं वो एम्फोटेरिक हैं, यानी इनके ऑक्साइड जो हैं वो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं, एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। अब ये मुझे कैसे पता लगेगा, तो देखिए यहां पर अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड को अगर HCl में डालते हैं ना, तो यहां देखिए ये आपका ऑक्साइड है, ये एसिड है, और ये मिलके क्या बना रहा है, यहां पे एक सॉल्ट बनाता है ये AlCl3 और साथ में H2O, तो यहां पे बना मेरा सॉल्ट और यहां पे बना उसके साथ में पानी। तो हमने ये सीखा हुआ है एसिड बेस वाले चैप्टर में कि अगर दो चीजें कंबाइन होकर सॉल्ट और वाटर बनाते हैं तो ये क्या है, आपका एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। और न्यूट्रलाइजेशन में देखिए अगर HCl एसिड है तो इस ऑक्साइड का नेचर अगर हम यहां बेसिक लिखेंगे तभी तो एसिड बेस कंबाइन होकर सॉल्ट और वाटर बनाएगा ना, तो इसीलिए इस रिएक्शन से प्रूव होता है कि जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है उसका नेचर यहां पर बेसिक है। और सेम चीज Al2O3 को अगर आप NaOH में डालते हैं, तो यहां पे भी देखो सेम चीज होगी, NaAlO2 बनेगा, ये सॉल्ट बन गया और साथ में पानी बन गया। तो अब आपने क्या देखा कि जो Al2O3 है उसके साथ मैंने यहां पे क्या रखा, बेस, और Al2O3 के साथ बेस रखने पे यहां पे सॉल्ट और वाटर बनाए, तो इसका मतलब अब इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक। तो जो आपके
एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं। इसका मतलब क्या है कि उनको जब एसिड के साथ रखेंगे तो वो बेस की तरह बिहेव करेंगे, और अगर बेस के साथ रखेंगे तो एसिड की तरह बिहेव करेंगे। तो ये होता है आपका एम्फोटेरिक नेचर। मोस्टली जो मेटल हैं, ये बात का ध्यान देना, मोस्टली जो मेटल हैं वो तो बेसिक ही होते हैं, पर उसमें कुछ एक्सेप्शन है आपकी, जैसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड के एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, इस तरह के जो मेटल हैं, टिन के ऑक्साइड भी जो हैं जनरली एम्फोटेरिक होते हैं, तो इस तरह से आपके वो एसिड बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। तो आई होप ये पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, सेकंड मैंने आपको बताया मेटल का रिएक्शन जो है पानी के साथ, जब मेटल पानी के साथ रिएक्शन करता है तब क्या होता है, ठीक है। तो यहां देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने आपको कहा पेयर में ही चलना है, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम मैग्नीशियम आयरन एल्यूमिनियम, ठीक है। अब इनका देखेंगे पानी के साथ कैसा रिएक्शन होता है। देखिए पानी के साथ जो रिएक्शन है मेटल का, वो उनकी रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है। जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे सोडियम पोटेशियम, ये तो ठंडे पानी से भी रिएक्ट करते हैं, कोल्ड वाटर से, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद कैल्शियम मैग्नीशियम आते हैं, ये आपके वार्म वाटर से रिएक्ट करते हैं, यानी ये ठंडे पानी से तो रिएक्ट नहीं करेंगे, थोड़ा सा पानी को आपको गर्म करना पड़ेगा तब कैल्शियम मैग्नीशियम उनसे रिएक्ट करेंगे। उसके बाद आता है आपका आयरन और एल्यूमिनियम, Fe और Al। अब ये जो ऐसे मेटल हैं जो पानी से, ना तो ठंडे पानी से रिएक्ट करते हैं ना तो गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं, ये रिएक्ट करते हैं स्टीम से, यानी भाप से, ठीक है। स्टीम का जो टेम्परेचर है वो तो अबव 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, तो यानी यहाँ पर ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए ये स्टीम से रिएक्ट करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं इनका क्या रिएक्शन होता है। जैसे सोडियम और पोटेशियम है, पोटेशियम को अगर मैंने पानी में डाला तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो बेस बनेगा आपका, ठीक है, साथ में हाइड्रोजन बनती है और हीट निकलती है, बहुत सारी हीट निकलती है। जैसा मैंने कहा ना कि ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, तो ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जैसे ही आप इसको पानी में डालते हो तो बहुत सारी हीट निकलती है यहाँ से, जो आपका कंटेनर होगा जिसमें पानी है वो बहुत गर्म हो जाएगा आपका, ठीक है, और उसमें क्या बनेगा, साथ में एक बेस बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और हम सबको पता है कि ये जो है इसको अगर हम फ्लेम में लेकर आएँ, ठीक है, बर्न करें इसको, जैसे माचिस से अगर बर्न करें तो इसमें पॉप साउंड भी आएगा, आपको वहाँ ऑब्जर्व होगा पॉप साउंड आएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे पोटेशियम के साथ सोडियम अगर आप यूज कर लो तो उसमें भी देखिए सेम तरह से बेस बनेगा, हाइड्रोजन बनेगी और बहुत सारी हीट निकलेगी, ठीक है, और वो भी ठंडे पानी से भी रिएक्ट करता है। इसके बाद आपका कैल्शियम का अगर एग्जांपल लें तो यहाँ पे पानी कैसा था, कोल्ड वाटर लेना है, यहाँ पे वाटर को कैसे रखना है, थोड़ा सा वार्म। इसके साथ जब हम यूज करेंगे कैल्शियम या मैग्नीशियम का, एकदम सिमिलर रिएक्शन होगा, मैं कैल्शियम के साथ आपको बता रहा हूं। यहां पे जो बनेगा वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, H2 बनेगा और थोड़ा सा हीट निकल सकता है, थोड़ा सा, ठीक है। यहां पे तो पानी पहले से ही वार्म है तो ये हीट आपको ऑब्जर्व भी नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बेस और साथ में हाइड्रोजन और साथ में थोड़ी सी हीट। तो यहां पर जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उनका रिएक्शन इस तरह से होता है वार्म वाटर के साथ। अब जो आपका आयरन है और एल्यूमिनियम है, आयरन देखिए यहां पे स्टीम फॉर्म में, वाटर अगर स्टीम फॉर्म में है तब उससे रिएक्ट करेगा, और यहां पे जो आपका बनेगा Fe3O4 और साथ में H2, ये आपके प्रोडक्ट होंगे, ठीक है ना। और इसी तरह से सेम एल्यूमिनियम का अगर स्टीम के साथ आप रिएक्शन देखेंगे तो सेम रिएक्शन वो यहां पे भी करेगा, यहां बन जाएगा Al2O3 और साथ में हाइड्रोजन। तो आपने यहां पे क्लोजली अगर ऑब्जर्व किया है, बहुत सारी हीट किसमें निकलेगी, जो चीजें ठंडे पानी से रिएक्ट कर रही हैं, ये यानी बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और इस केस में हीट निकल रही है, ठीक है। और उसके बाद आते हैं वार्म वाटर के साथ रिएक्ट करने वाले मेटल, और लास्ट में आते हैं आपके लीस्ट रिएक्टिव यानी आयरन और एल्यूमिनियम जैसे, जो स्टीम से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल वाटर से तो रिएक्ट बिल्कुल भी नहीं करते। तो ये आपके रिएक्शन है किसके, मेटल के पानी के साथ। ये जो मैंने यहां लिखा हुआ है ये आपका मेटल है, वाटर और क्या रिएक्शन होगा, यानी आपने यहां यह भी देखा कि मेटल पे भी डिपेंड करता है कि पानी के साथ वो रिएक्ट करेगा या नहीं, ठीक है ना। मोस्ट रिएक्टिव तो ठंडे से भी करते हैं, फिर जो मॉडरेट होते हैं वो वार्म से, और जो लास्ट है स्टीम से। इसके बाद बस यहां पे थर्ड प्रॉपर्टी देखिए आपकी मेटल की, एसिड के साथ रिएक्टिविटी। मेटल और एसिड कंबाइन होते हैं तो क्या होगा, अगर मेटल और एसिड कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है, एक तो सॉल्ट बनता है और साथ में H2। जैसे एग्जांपल देखें इसका, जैसे जिंक है
जिंक को आपने डाला H2SO4 में, तो यहां देखिए जो आपका एसिड होता है उसमें से हाइड्रोजन तो आपको यहां दिखाई देगा, और जो बच गया यानी ये मेटल के साथ कंबाइन होकर यहां पे क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। ये बन गया आपका जिंक सल्फेट सॉल्ट, यानी जो आपके मेटल हैं अगर वो एसिड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है, मोस्टली तो मेटल ऐसा ही करते हैं, ठीक है, और ये किसके साथ करते हैं, यहां पे आपको एसिड भी याद रखना है, H2SO4 और HCl जैसे एसिड लेते हैं हम जनरली। ठीक है, अब यहां पर रिएक्टिविटी, मेटल की रिएक्टिविटी थोड़ी बहुत चेंज होती है, वो कब होती है, जब आप यहां पर यूज करते हो HNO3 का। यहां आपको यह बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपने HNO3 लिया है, जनरली तो मेटल एसिड के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन ही निकालेंगे, पर अगर आपने एसिड जो है वो नाइट्रिक एसिड लिया हुआ है, यानी HNO3, अगर आपका एसिड जो है वो नाइट्रिक एसिड है, तब देखिए जनरली आपका जो मेटल है वो यहां पर सॉल्ट तो बना लेगा पर यहां पे हाइड्रोजन गैस नहीं मिलेगी आपको। हाइड्रोजन गैस किसके साथ नहीं देते मेटल, जनरली किसके साथ नहीं देते, नाइट्रिक एसिड के साथ। अगर आपने नाइट्रिक एसिड लिया हुआ है और मेटल का रिएक्शन किया तो सॉल्ट तो बनेगा पर इस केस में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी। ठीक है ना, ऐसा क्यों नहीं होता, उसका रीजन देखिए, क्योंकि यहां पर नाइट्रिक एसिड जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और जैसे ही आप देखना यहां पे एसिड है आपके पास नाइट्रिक एसिड, इसमें आपने क्या डाला, मेटल, और यहां पे जैसे ही हाइड्रोजन गैस बनेगी तो ये जो नाइट्रिक एसिड है ये आपका हाइड्रोजन गैस के साथ कंबाइन होके या तो ये NO बना सकता है या N2O बना सकता है या NO2 बना सकता है, यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है वो। ठीक है, नाइट्रिक एसिड क्यों, क्योंकि ये आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, क्योंकि नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इसीलिए जो मेटल होते हैं वो सॉल्ट तो बनाते हैं बट हाइड्रोजन गैस नहीं देते नाइट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, उसका रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि नाइट्रिक एसिड जो हाइड्रोजन निकल रही होती है वो उसी से इलेक्ट्रॉन लेकर नाइट्रोजन को उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यहां पर बस इसमें एक चीज और, मेटल ऐसा जो आपका डाइल्यूट HNO3 इसके साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन देता है, आपको बस उसका एग्जांपल याद रखना है, वो है आपका मैग्नीशियम और मैंगनीज, बस यही दो ऐसे मेटल हैं जो अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपका सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमने देखी मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।